ये पर्शियन बिल्ली है और इसकी हेयर कटिंग हो रही है। साल भर में जब गर्मी का मौसम आता है तो इन बिल्लियों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस बिल्ली की उम्र तकरीबन 1 साल है और ये बड़ी आसानी के साथ ट्रिमिंग इसलिए करवा रही है कि इसको दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया गया है। मतलब ये नीम बेहोश है, वरना ये बहुत उधम मचाती। अमूमन पर्शियन बिल्लियों की कीमत 10,000 के करीब होती है। हालांकि इसमें कई रेट हैं और जिस तरीके की प्रजाति होती है जितनी सुंदर उसी हिसाब से रेट भी होता है। तो ये बड़ी आसानी के साथ इनकी ट्रिमिंग हो रही है यहाँ पे। इस वक्त हम मऊ पेट शॉप पे हैं जो मुंशीपुरा में है, यतीम खाना के पास। वहीं पर इस बिल्ली की ट्रिमिंग हो रही है। खूबसूरती के लिए सर के बाल को छोड़ दिया जाएगा और पूंछ के बाल भी छोड़ दिए जाएंगे। इन बालों को ले आकर उसमें मिला दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा, ताकि बिल्ली देखने में पहले की तरह आकर्षक लगे। लेकिन यहाँ पर पैर के जो बाल हैं वो ट्रिम हो रहे हैं। तो इस बिल्ली को एनेस्थीसिया दिया गया है, जो इंसानों को तब दिया जाता है जब उनकी सर्जरी होती है या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन होना होता है, उस दौरान दिया जाता है। इस बिल्ली को इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी ये होश में आ जाएगी, एक घंटे के अंदर अंदर ये नॉर्मल हो जाएगी। चेहरे का जो बाल है वो भी बनाया जा रहा है। ये बिल्ली जो है वो बन संवर कर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और इसका बाल बाल भी बन गया है। और कुछ दिनों में जब इसकी सेटिंग हो जाएगी तो ये दिखने में और भी सुंदर और आकर्षक लगेगी। अब मुझे लगता है कि इसको अब धीरे धीरे होश भी आने लगा है। इसको ले जाके ना खाना देना, कोई बदलाव। अब इसको घर ले आकर नहला दिया जाएगा और फिर से ये बिल्ली जो है वो अपनी पहली वाली हालत पर वापस हो जाएगी। देखिए, इसको कंघे से इसके बाल जो है संवारे जा रहे हैं, बड़े आराम से ये सब करवा रही है। पर्शियन बिल्ली है और मऊ में भी बिल्लियों का क्रेज बढ़ रहा है बहुत। इनकी खासियत ये है कि ये बिल्लियाँ सफाई पसंद होती हैं और इन्हें गंदगी ज़रा भी पसंद नहीं है।